बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक कौमी टीवी और मैं हूँ अयूब कोलोच। एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब होते हैं बराह रास्त कोले रोड से। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोले रोड पर। यहाँ पर सालाना जो फंड मिलता है रोडों की सफाई के लिए, यहाँ पर मशीन लगाया हुआ है ठेकेदार साहब ने। नौजवान ठेकेदार है ज़िया भाई, जो भटड़ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सफाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। वालेकुम सलाम अयूब भाई, थैंक यू। सबसे पहले मैं आप कोलोच यूथ मूवमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी जदोजहद की वजह से ये इस साल की जो सालाना सफाई है तो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आप लोगों की वजह से और आप लोगों की ही और जो आप लोगों की पूरी टीम बनी हुई है, तो वो कोले पे भी आए, भटेड़ा पे भी आए, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मुझे जगह जगह नोट किया कि यहाँ यहाँ आपने इस तरह सफाई करनी है, तो इंशाल्लाह उसी आपके उम्मीदों पर मैं पूरा उतरा हूँ। ज़िया भाई, ये ज़्यादातर लोगों का ये गिला होता है कि ठेकेदार लोग जो है सालाना सफाई के मद में जो फंड मिलता है उसको हड़प कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से वो अपने जो काम है वो सिर अंजाम नहीं देते हैं, तो आप क्या करेंगे? वो माजी के उस उनके रास्ते पर चलेंगे या एक नए काम करेंगे लोगों के सहूलत के लिए? इंशाल्लाह अयूब भाई, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और जहाँ तक मुझे आप लोग चाहिए, इसलिए चाहिए कि जहाँ मैं अभी कोले में 24 घंटा नहीं हो सकता हूँ, तो आप लोग हैं, आप लोग यहाँ की मुझे पूरी डिटेल दे सकते हैं। तो जिस तरह कोले का रोड आप लोगों की यूथ की मर्ज़ी के तहत कोले इस तक जो आप लोगों का गांव है, मेन गांव तक ऐसी सफाई होगी जो यूथ वाले जहां जहां कहेंगे, जहां जहां हमारे इलाके वालों की ज़रूरत है। और काइंडली अयूब भाई, यूथ वाले आए थे हमारे पीछे जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, वहां से डिलीवरी के केसेस इन पत्थरों के वजह से, तो इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। सब हमारी माँ बहनें हैं, इंशाल्लाह अच्छी सफाई देंगे और अच्छा काम करेंगे। भाई, आप भी एक नौजवान हैं, नौजवान ठेकेदार है। ज़्यादातर लोग जो है यूथ जो है नौजवान को वो कहते हैं, यूथ वाले कहते हैं कि यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये गलती है, तो ठेकेदार लोग जो हैं उनसे बहुत तंग है। तो आपकी नज़र में आप यूथ वालों के हवाले से आपके क्या ख्याल थे? बिल्कुल, जहाँ तक कोई भी कंट्रैक्टर अगर ऐसी बात करता है तो उसको नहीं करनी चाहिए। यूथ वाले तो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये हमारा इलाका है, इधर यहाँ यहाँ इसी तरह सफाई करनी चाहिए। तो ठेकेदार को इतना नॉलेज नहीं होता है जितना यूथ वालों को होता है और जितना उस इलाके वालों का होता है। तो इसमें यूथ वाले अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और जो काम ले रहे हैं यूथ वाला कोलई और भटेड़ा में, तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। और इंशाल्लाह यूथ वाले जो काम कहेंगे हम वो काम करने के पाबंद। ज़िया भाई, कोलई रोड में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह जो है आपने यहाँ पर ख़ुद देखा, जायज़ा लिया इस जगह का, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सख्त जगह है और गाड़ियों का नीचे जाने का ख़तरा है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ फिलिंग की है, तो इस जगह के बारे में माजी में भी ठेकेदारों ने यहाँ पर इस जगह के जगह को ठीक नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह अयूब भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जगह अगर हमारा ये मशीन एक्सकेवेटर ठीक नहीं कर सकता है, तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह 3 से 4 लेबर लगाऊंगा, और एक तरफ से आप लोगों की ब्लास्टिंग होगी, तो ब्लास्टिंग के तहत मैं इस जगह को इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ठीक ठाक कर लूँगा, बेहतर होगी। तो ज़िया भाई, एक दूसरी जगह है हमारे पास नीलकोर नाम है, आपने कुछ दिन गए थे, आपने यहाँ वहाँ पर जायजा लिया होगा, नीचे लोगों का वाटर चैनल है। लोग ज़्यादातर ये गिला कर रहे हैं कि यार कोई भी ठेकेदार आता है तो कचरे नीचे फेंकता है और फिर चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? वाटर चैनल का बड़ा इशू है, उनको पानी का मसला है और उस वजह से वो रोड नहीं छोड़ते हैं, तो आप क्या किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल, उस जगह पे मैं पिछले दिनों गया हूँ, आपके कहने के मुताबिक यूथ वालों से मैंने कॉल की थी कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वो जगह आप लोगों ने पहले फ़ोन पे भी मुझे डिस्कस की थी। तो उसी जगह पे हम अभी इस तरह करेंगे, जिन लोगों का वाटर चैनल है ऊपर से हम सफाई करेंगे, लोगों को तकलीफ़, लोगों की तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है, और आप लोगों की यूथ की वजह से हम वो जगह मुकम्मल साफ़ करेंगे। अगर हाँ, हमारी उसी पत्थरों की वजह से वाटर चैनल को नुकसान पहुँचता है, तो उस नुकसान को पूरा हम करेंगे और उस वाटर चैनल को बनाएंगे भी, लेकिन ये सफाई इस दफा मुकम्मल क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़िया भाई, यहाँ पर इस रोड पे आपने देखा हर जगह में खड्डे हैं, तो खड्डों के हवाले से आप क्या करेंगे? कोई लेबर का बंदोबस्त करेंगे? इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह 3 से 4-5 लेबर लगाऊंगा, इसी जो ही मशीन अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो मैं 4-5 लेबर लगा लूँगा कि वो छोटे छोटे जो खड्डे हैं और जहाँ तक ये गाड़ी वालों को तकलीफ़ होता है वो चीज़ वो इंशाल्लाह ठीक करके आप लोगों को देंगे। रास्ते में आपने देखा बहुत बड़ा पत्थर है, तो उस वहाँ पर आप ब्लास्ट जी
वो बड़ा पत्थर जो आपने मुझे दिखाया वो उसके लिए मैंने ब्लास्टिंग वालों को मंगवा लिया है, साथ साथ मशीन करेगा, साथ साथ ब्लास्टिंग करेंगे। और कलोच यूथ मूवमेंट का एक वफद आया था, वहाँ बजड़बाला के लोग भी थे, मैं भी उस वफद में शामिल था। तो एस डी ओ साहब ने हमें यकीन दहानी की थी कि इस बार बहुत अच्छा काम होगा, आप तो यहाँ के यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ठेकेदारी से हट कर आप क्या क्या किरदार अदा करेंगे? इंशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि बिल्कुल आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं ठेकेदारी से हट के ही काम कर रहा हूँ। अगर मैं ठेकेदारी के लेवल पे सोचता तो शायद मैं इतना नहीं करता, तो इंशाल्लाह मुझ में भी इतना दर्द है अपने इलाके के लिए, मैं इंशाल्लाह अगर 3 से 4 दिन मेरे एक्स्ट्रा भी लगते हैं लेकिन सफाई में इंशाल्लाह अच्छी करके दूंगा आप लोगों को। और एस डी ओ साहब ने जो भी आप लोगों से कमिटमेंट किया हुआ है, ज़ेर निगरानी से NWAC DC ने, जितने भी DC साहब ने भी कल बटेड़ा के लिए आप लोगों ने बुलाया, यूथ की जदोजहद से वो बटेड़ा आए, तो उसी रोड पर भी DC साहब के मतलब उन्होंने एस डी ओ साहब को बताया कि फ़ौरी तौर पर मुझे ये सफाई भी चाहिए, तो उस पर भी मशीन मैंने आप लोगों की जदोजहद की वजह से और DC ने कॉल करने की वजह से मैंने लगा लिए। और इंशाल्लाह जो भी कमिटमेंट SDO साहब लोगों ने आप लोगों से किए, तो इंशाल्लाह वो कमरे वाले 4-5 जवान दे दें कोले के रोड पे, जिस तरह यूथ वाले कहेंगे उसी तरह सफाई आपको इंशाल्लाह इख्तिताम तक नज़र आएगी। तो नाज़रीन ये ज़िया भाई ये कह रहे हैं कि मैं भी एक नौजवान हूँ, ये नौजवानों का बहुत अहम किरदार होता है हर एक इलाके में इज्तिमाद को फ़रोग देना, तो ख़ासकर इसने कलोच यूथ मूवमेंट का शुक्रिया भी अदा किया। आपने देखा और यहाँ पर मशीन लगा हुआ है, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला कलोच यूथ मूवमेंट जो है इनके शाना बशाना होंगे, जहाँ पर जो गलतियाँ वगैरह होंगे उसके सामने लाएँगे, डिपार्टमेंट के सामने लाएँगे, जो जहाँ पर ये जो मलबे वगैरह हैं उसको हाईलाइट करेंगे, इनके सामने ले के आएँगे। शुक्रिया।